अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1,00,000 के इनामी बदमाश भूरा को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भूरा दिल्ली के उसी कुख्यात बदमाश शक्ति नायडू का साथी है जिसकी 2 दिन पहले मेरठ में ही एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के मोदीपुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में आज एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में शक्ति नायडू के साथी रवि भूरा को पुलिस की गोली लग गई, जबकि रवि भूरा का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने भूरा के पास से एक टोयोटा कार और पिस्तौल बरामद की है। पुलिस अधिकारियों की माने तो रवि भूरा 1,00,000 का इनामी है और एक लंबा आपराधिक इतिहास रखता है। शक्ति नायडू जैसे कुख्यात का खात्मा हो चुका है, रवि भूरा गिरफ्तार हो चुका है। दोनों ही अनगिनत आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गैंग जमीन कब्जाने के साथ साथ हत्या तक की वारदात को भी अंजाम देता है, लेकिन पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। उम्मीद है जल्द ही इस गैंग का खात्मा हो जाएगा। फिलहाल पुलिस रवि भूरा का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। आइए जानते हैं क्या कहना है एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार का। एक बदमाश घायल हुआ, घायल बदमाश का नाम रवि मलिक उर्फ भूरा, पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी 256 जीवन पार्क कॉलोनी, थाना अलीपुर, दिल्ली है और इसके पास से क्रेटा गाड़ी भी बरामद हुई। इसके साथ के जो 3 साथी है वो भागने में कामयाब रहे, जिसमें से 2 का नाम पिंटू बंगाली एवं नितिन सैदपुरिया है। ये दोनों भागे हुए अपराधी शातिर बदमाश हैं और एक अन्य साथी जो नितिन के साथ था वो भी भागने में सफल रहा। आप सबको पता है कि 30/31 की रात में यहाँ एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया था, और जिसकी हत्या हुई थी उसकी पहचान हनी के रूप में हुई थी और दूसरा जो व्यक्ति था घायल व्यक्ति तिलक राज था। ये लोग 30 तारीख को तिलकराज, शिव शक्ति नायडू, हनी, 2 अन्य बदमाश तथा रवि ऋतुराज के रवि भूरा ये ऋतुराज के ऑफिस में आए थे और वहाँ इनकी जो बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर हैं विपिन तथा एक प्रॉपर्टी डीलर विपिन चौधरी हैं जो निवासी शामली के हैं, लेकिन तिलकराज और विपिन चौधरी का ऑफिस आसपास है, तो उनको मारने के लिए ये लोग आए थे। इसके अतिरिक्त ललित नेगी को जो कि एसीपी दिल्ली के हैं उनको भी मारने की योजना थी, क्योंकि वो बदमाश जो कि 18 तारीख को मारा गया था नायडू, उस पर ललित नेगी ने ही मकोका लगाया था और लगभग उसके कारण उसको लगभग 4 साल तक जेल में बंद रहना पड़ा था। जो उस दिन मर्डर हुआ था उसमें ही नायडू के साथ ही रवि भूरा पे भी 1,00,000 का इनाम था और ये शिव शक्ति के साथ मिलके इन लोगों ने, जैसा आपको पता है, लाजपत नगर में 8 करोड़ की लूट की थी तथा
एक कांस्टेबल की मुख्य आरक्षी की गोली मार के करकरडूमा कोर्ट में हत्या की थी। सत्रह तारीख की रात में जो आज क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, उसी गाड़ी के साथ इन लोगों ने फॉर्चुनर गाड़ी भी छीनी थी जो 18 तारीख के मुठभेड़ के दिन मुठभेड़ स्थल से बरामद हो गई है। रवि उर्फ भूरा के विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। ये शातिर अपराधी है और दिल्ली पुलिस का हिस्ट्रीशीटर भी है और ये कई मामलों में वांछित भी चल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।